पलाड़ा नदी का अतिक्रमण हटाते समय हुआ हादसा। इस बार खबर है कुचमन सिटी से। हाईकोर्ट के निर्देशों पर ग्राम पलाड़ा में अतिक्रमण हटाया गया। जानकारी देते हुए तहसीलदार कुलदीप चौधरी ने बताया कि हाईकोर्ट में जितेंद्र सिंह ने लगाई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने नदी क्षेत्र से समस्त प्रकार के अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई एवं सभी प्रकार के अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। इस दौरान जगह जगह लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन कुलदीप चौधरी तहसीलदार ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश छुप रहे हैं, इसी के तहत अतिक्रमण हटाया जा रहा है। लोगों ने जब पक्के निर्माण तोड़ने चाहे तो काफ़ी विरोध भी हुआ एवं बड़ी संख्या पुलिस प्रशासन का जाप्ता मौजूद रहे। इस दौरान तहसीलदार कुलदीप चौधरी, थानाधिकारी कुचमन मनोज माचरा, चितावा थाना अधिकारी हरिराम जासुंदा सहित बड़ी संख्या पुलिस प्रशासन का जाप्ता मौजूद रहे। साथ ही अतिक्रमण हटाया जा रहा था। उस दौरान जब जेसीबी चालक ने जब एक गेट हटाया तो वह एक कांस्टेबल पर जा गिरा, जिससे कांस्टेबल घायल हो गया। कांस्टेबल को घायल अवस्था में राजकीय चिकित्सालय कुचमन लाया गया, जहां उसकी प्राथमिक उपचार किया गया। जानकारी के अनुसार इस हादसे में चंद्रभान सिंह घायल हुए। ज्ञातव्य हो कि हाईकोर्ट के निर्देश पर तहसीलदार कुलदीप चौधरी के नेतृत्व में पलाड़ा नदी क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस क्रम में जब एक पथ का निर्माण का अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो जेसीबी से जब गेट हटाया जा रहा था तभी गेट पुलिसकर्मी पर आ गिरा और एक कांस्टेबल घायल हो गया। हालांकि उसके सीने में चोट लगी है। जानकारी मिली है कि अब कांस्टेबल पुनः स्वस्थ है। जानकारी मिलने पर वहां लोग मौजूद हो गए। पलाड़ा में नदी और अन्य जो सरकारी भूमि है उनका अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है फिलहाल।